आज हम बात करेंगे 6 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। क्या आपको पता है पहली सेल्फी किसने ली थी? क्या आपने पीके फिल्म देखते वक्त आमिर खान की आंखों पर नोटिस किया था? क्या आपको पता है कि एक सिक्के को हानि पहुंचाने पर कितने वर्ष की सजा हो सकती है? आपने ब्लूटूथ का नाम तो अक्सर ही सुना होगा। क्या आप जानते हैं ब्लूटूथ का नाम किसके नाम से पड़ा था? दुनिया की सबसे खूबसूरत स्माइल किसकी है? तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन कर लीजिए ऑन, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। दुनिया की पहली सेल्फी सन 1839 में रॉबर्ट कनेलियस नाम के एक व्यक्ति ने ली थी। उस समय सेल्फी लेने में 3 मिनट से भी ज़्यादा समय लग जाता था। आपने पीके फिल्म तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने पीके फिल्म देखते वक्त कुछ नोटिस किया था? दरअसल पूरी फिल्म में आमिर खान ने एक बार भी अपनी आंखों की पलकें नहीं झपकाई थी। क्या आप जानते हैं, यदि कोई व्यक्ति भारतीय सिक्के को पिघलाता है या उसे नष्ट करता है तो उसे इंडियन कॉइन्स एक्ट 2011 के अधीन 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है। जब एक गूगल का कर्मचारी मर जाता है तो उसकी पत्नी को 10 साल तक उसकी आय का आधा वेतन दिया जाता है और बच्चों को 19 साल का होने तक $1,000 प्रति माह दिया जाता है। ब्लूटूथ का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों को पता होगा कि ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ डेनमार्क के दूसरे राजा हैनल ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया था। आपने बहुत सारे लोगों को मुस्कुराते हुए देखा होगा, उनमें से बहुत सारे लोगों की मुस्कान खूबसूरत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं, ईरान की 5 साल की बच्ची इनाहिता की मुस्कान को दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान घोषित किया गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हर रोज़ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि हम हर रोज़ आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहें।